प्रियंका गांधी ने कांग्रेस को यूपी में उभारा। अब 10 मार्च को इसका फाइनल रिजल्ट आएगा सामने। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव वाले सभी राज्यों का दौरा कर रही हैं। अब तक 167 रैलियां और 42 रोड शो कर वह पार्टी की स्टार प्रचारक के रूप में उभरी हैं। पार्टी की उत्तर प्रदेश प्रभारी होने के नाते इस राज्य में उनका बहुत ऊंचा दाव है और 2022 के विधानसभा चुनाव में उनका अभियान हमेशा चर्चा में रहा है। प्रियंका की मेहनत, उनकी ऊर्जा और सकारात्मकता से भरे अभियानों ने राज्य के लोगों का ध्यान खींचा है। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि प्रियंका के नारों ने जनता के दिलों में जगह बनाई है। उन्होंने भारी बारिश में भी अपना अभियान जारी रखा। बाराबंकी में खेतों में काम करने वाली महिलाओं सहित कई गांवों में जाकर लोगों से मिली। जनता के साथ उनका जुड़ना अच्छा माना जा रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका ने जनता के साथ बातचीत की। उन्होंने पंजाब में 3, उत्तराखंड और गोवा में 2-2 और मणिपुर में 1 आभासी रैली को संबोधित किया। प्रियंका ने अपने अभियान के दौरान बात करते हुए कहा, मैं यह संदेश देने की कोशिश कर रही हूं कि राजनीति नफरत और हिंसा पर आधारित नहीं होनी चाहिए। अब एक नई तरह की राजनीति का समय आ गया है जिसमें लोगों की समस्याएं दूर करने के लिए काम करना ही होगा। भाजपा और अन्य राजनीतिक दलों पर वार करते हुए उन्होंने कहा, जाति और धर्म की राजनीति के कारण लोग पीड़ित हैं और इस तरह की राजनीति केवल कुछ राजनीतिक दलों को फायदा पहुंचाती है और इससे आम लोगों के हित में काम नहीं हो पाता है। उन्होंने कहा, राजनीतिक नेताओं को लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए काम करना चाहिए। बता दें कि कांग्रेस ने 2 दशकों में पहली बार उत्तर प्रदेश में सभी 403 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं और प्रियंका समर्थन हासिल करने के लिए पूरे प्रदेश का चक्कर लगा रही हैं। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।